भाईजान यानी कि सलमान खान आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे वजह कुछ भी हो, कभी भी हो, भाईजान अपने लुक को लेकर तो कभी अपने फिटनेस को लेकर। इस बार उनकी चर्चा में आने की वजह उनकी आने वाली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ है। वेल, सलमान खान अपनी आगामी फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित अंतिम में सलमान खान के साथ आयुष शर्मा लीड रोल में नजर आएंगे। अंतिम जो एक गैंगस्टर ड्रामा है, ये पहली बार है जब सलमान खान और आयुष शर्मा एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में इन दोनों एक्टर्स के अलावा दबंग 3 से बॉलीवुड फिल्मों में कदम रखने वाली एक्ट्रेस साई मांजरेकर लीड रोल में है। इस फिल्म का Zee5 पर डिजिटल प्रीमियर होगा। राधे और मोस्ट वांटेड भाई के बाद ये दूसरी फिल्म है जिसका डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होगा। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके साथ यहां दिख रहा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अलर्ट्स आपको मिलते रहें। साथ ही फिल्म से जुड़े करीबी सूत्र ने बताया, सलमान खान को लगता है कि अंतिम आयुष शर्मा के रिलॉन्च की तरह है और महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल अभी तक बंद होने के चलते इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट रिलीज होना सही है जिससे अपने दर्शकों तक पहुंच सके। हालांकि Zee5 ने इसके लिए एक खास प्लान तैयार किया है। इस बारे में सूत्र ने बताया, जी की टीम अंतिम के हाइब्रिड रिलीज पर विचार कर रही है, यानी अंतिम Zee5 पर डिजिटल प्रीमियर होने के साथ पूरे भारत में सिंगल स्क्रीन थिएटर में रिलीज होगी। सलमान और जी दोनों जानते हैं कि मल्टीप्लेक्स उनकी फिल्म को रिलीज करने के इस बात से सहमत नहीं होंगे और इसलिए वो सिंगल स्क्रीन के साथ ही दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके पीछे मेकर्स ने ये सोचा है कि वो दर्शकों को बिना घर से बाहर निकले फिल्म देखने का ऑप्शन देना चाहते हैं। क्या जो दर्शक बड़ी स्क्रीन पर फिल्म का मजा लेना चाहते हैं वो सिंगल स्क्रीन में जाकर ये फिल्म देख सकते हैं। इस बारे में एक रिपोर्ट से पता चला है और इस रिपोर्ट में कहा गया है, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि अंतिम की रिलीज पे प्रीव्यू फॉर्मेट पर होगी या डायरेक्ट प्रीमियर। अभी इस पर विचार किया जा रहा है, जल्द ही इस बारे में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ऐसे समय में किसी भी फिल्म का एक्सक्लूसिव थिएट्रिकल रिलीज की संभावना तो कम ही है जब तक कि चीजें बहुत तेजी से नहीं बदल जाती। अब क्योंकि अंतिम सलमान खान फिल्म्स और जी की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है इसलिए वो अपनी सभी विकल्प खुले रख रहे हैं और आने वाले दिनों में रिलीज प्लान में बदलाव भी कर सकते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान की पिछली रिलीज फिल्म राधे थी जिसे दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। वहीं आगामी फिल्मों की बात करें तो एक था टाइगर की तीसरी सीरीज किक 2 और अंतिम में नजर आएंगे। टाइगर 3 की शूटिंग शुरू की जा चुकी है। फिल्म में एक बार फिर कैटरीना कैफ और सलमान स्टंट करते नजर आएंगे। किक 2 में सलमान के साथ एक जैकलिन फर्नांडिस दिखेंगी। वहीं फिल्म अंतिम में सलमान खान के साथ आयुष शर्मा लीड रोल में है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हम बॉलीवुड से जुड़े किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।